हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक के वैल्यूएशन के पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपने इसमें जो आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह, तो उसमें आपने क्लियर किया होगा कि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दिया गया है, इसमें हमें इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के बारे में या स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में बताया गया है। और इसमें बोला गया मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो भी हमारा विच एवर इज लेस होगा, उस पर हम लोग स्टॉक की वैल्यू को क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक के वैल्यूएशन की। अब देखिए, कंसाइनमेंट स्टॉक के वैल्यूएशन को हम लोग 3 स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। तो स्टेप नंबर जो फर्स्ट आपको दिया जा रहा है वो हम उस केस में यूज कर सकते हैं। वैसे तो दोनों में आप यूज कर लेंगे, अगर आपको मार्केट प्राइस दिया है और जब आपको मार्केट प्राइस नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर है क्या, अगर आपको मार्केट प्राइस नहीं दिया गया है तो केवल स्टेप नंबर फर्स्ट यूज करेंगे, और अगर मार्केट प्राइस आपको दिया है तो स्टेप नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड तीनों आपको यूज करना है। तो देखिए, फर्स्ट अगर हम यूज करते हैं तो इसको किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है स्टॉक के वैल्यूएशन को देख लीजिए। देखिये यहाँ पर जो भी आपको अनसोल्ड स्टॉक दिया जा रहा है, अब यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक या तो कंसाइनर ने कंसाइनी को जब गुड सप्लाई किया होगा वो कॉस्ट प्राइस पे किया होगा या फिर इनवाइस प्राइस पे किया गया होगा। तो जो भी आपको प्राइस दिया होगा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक में आपको प्राइस का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, तो इससे हमारी कॉस्टिंग आ जाएगी अनसोल्ड स्टॉक की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें हम लोग कंसाइनर के जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम लोग प्रोपोर्शनेट करके ऐड कर देते हैं। अब यहां देखिए, प्रोपोर्शनेट करने का मतलब यह है कि कंसाइनर ने जो भी यहाँ पे एक्सपेंसेस किए होंगे वो टोटल गुड्स सप्लाई पे किए होंगे, बट यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अनसोल्ड गुड्स की। तो जो भी हमें एक्सपेंसेस है उनको हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोपोर्शनेट कर लेना है। तो आफ्टर जो प्रोपोर्शन के बाद वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर ले लेंगे। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, कंसाइनी के जो हमारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि कंसाइनी जो एक्सपेंस बेयर करता है वो नॉन रिकरिंग भी होते हैं और रिकरिंग नेचर के भी होते हैं, बट यहां पर हमें वो कौन से एक्सपेंसेस लेने हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेने हैं जो कि गुड्स को रिसीव करने से रिलेटेड होते हैं। गोडाउन वगैरह के एक्सपेंसेस है, गोडाउन इंश्योरेंस वगैरह है, ये हमें कंसिडर नहीं करना होता है, इसको हम लोग पहले भी समझ चुके हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस के बारे में। तो वो रूल आपके यहाँ पर अप्लाई होंगे, बस हमें ये ध्यान रखना है हमें यहाँ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर करना है, रिकरिंग को कंसीडर नहीं करना है। तो जो भी नॉन रिकरिंग होंगे उनको भी हम यहाँ प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम नाम देंगे वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। और अगर मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो यही हमारा जो वैल्यू आएगी कंसाइनमेंट स्टॉक की, इसी को हम लोग अकाउंट में फिल कर देंगे। और अगर हमें मार्केट प्राइस भी क्वेश्चन में दिया जा रहा है तो फिर हम लोग इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसको किस तरह कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको जो अनसोल्ड यूनिट्स दिए होंगे और जो भी हमारी मार्केट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू दी जाएगी पर यूनिट, जो भी क्वांटिटी आपको दी जा रही है उसका हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम ले लेंगे। फिर यहाँ पर जो रियलाइजेबल एक्सपेंसेस है उनको हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब यहाँ पर देखिए, रिलाइजेबल एक्सपेंसेस कौन से हैं, जो हमारी सेल्स पे कमीशन जो पे किया जा रहा है, वो कमीशन जो है वो हमारा क्या है, रिलाइजेबल एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देन आफ्टर हमें क्या मिल जाएगा, नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए, दोनों हमने वैल्यू अगर फाइंड आउट कर ली, और फाइंड आउट करने के बाद स्टेप नंबर थर्ड में आपको बताया जा रहा है कि स्टेप फर्स्ट और सेकेंड में से जो भी हमारी वैल्यू जो है विच एवर इज लेस होगी वही हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन लिया जाएगा। इसको फिर हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट जो बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्रेडिट साइड में स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट के नाम से फिल कर देंगे। अब देखिए, मान इसी को हम अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे दिया जा रहा है मशीन जो है गुड सप्लाई की जा रही है 200 के बेसिस पे, सोल्ड हो रही है 200 मशीन 260 के बेसिस पे, कंसाइनर एक्सपेंसेस है 2500, कंसाइनिंग एक्सपेंसेस है फ्रेट 500 है, ऑक्ट्रॉय 300 है, ग्राउंड रेंट 2100 है, 5% कमीशन है ऑन सेल्स पे।
और यहाँ पर देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ इस मशीन आपको 230 रुपीज दी जा रही है और आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ मार्केट प्राइस भी आपको दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको स्टेप फर्स्ट सेकेंड दोनों ही आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए यूज करने होंगे। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको 250 मशीन दी जा रही है जिसमें से 200 मशीन क्या हो रही है, सोल्ड हो रही है। तो अगर 250 मशीन है ये तो कितना दी है, 200 रुपीज है, तो 50 × अगर हम लोग 200 करेंगे तो ये हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 50 × 2 के बेसिस पे 10,000 रुपीज। अब इसके बाद देखिए कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, 2500। कितने एक्सपेंसेस हैं, 2500, बट ये 250 मशीन्स पे और हमें कैलकुलेट करना है 50 मशीन्स पे। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 2500 × 50/250, हमें कितनी मशीन्स के लेने हैं, 50 मशीन्स के, तो ये हमारे कितने एक्सपेंसेस आ जाएंगे, 500। तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हो गए, 500। अब देखिए कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस हम लोग कंसीडर करेंगे तो आपको क्या बताया गया था, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को आपको लेना है। तो अगर इसमें हम बात करें तो एक तो हमारा ये फ्रेट हमारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है और एक हमारा ये ऑप्ट्राय हमारा क्या है, नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंसेस है। ग्राउंड रेंट जो है ये हमारा क्या है, रिकरिंग का है। तो अब ये 500 और 300 कितना हो गया, 800। तो यहाँ पर जो हमारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हुए वो कितने हो गए, 800। तो यहाँ पर अगर हम 800 × 50/250 कर लेते हैं, 160 कितने आ रहे हैं, 160। टोटल वैल्यू आ गई 10,660 रुपीज। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 10,660 रुपीज की आ गई। अब देखिए ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग आई है, अब मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या वैल्यू आ रही है, अनसोल्ड यूनिट्स कितने दिए जा रहे हैं, 50 है और इनका जो पर यूनिट प्राइस आपको दिया जा रहा है 230। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो, देखिए यहाँ पे अनसोल्ड यूनिट्स दिए गए हैं आपको, मार्केट प्राइस दिया जा रहा है तो अनसोल्ड यूनिट 50 है, मार्केट प्राइस तो 230 है, मल्टीप्लिकेशन किया कितना आ गया, 11,500। और इसके बाद रियलाइजेबल एक्सपेंसेस यहाँ पर क्या है, कमीशन है। तो देखिए जो सेल्स थी हमारी कितनी आ रही है, 52,000 है, इनटू 5% हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2600 आपका क्या आ गया, कमीशन आ गया। आप लेस कर देंगे तो हमारी नेट रियलाइजेबल ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमारी कितनी आ गई, 8900। अब देखिए स्टेप वन से हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 10,660 और टू से कितनी आ रही है, 8900। अब इन दोनों में जो विच एवर इज लेस होगा उसको हम यहां पर क्या करेंगे, स्टॉक का वैल्यूएशन कंसीडर करेंगे। तो यहां पे देखिए दोनों में से कम क्या है, 8900, तो हमारी स्टॉक की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 8900 आपको ले लेना है और इसको हमें कंसाइनमेंट स्टॉक के क्रेडिट अकाउंट में स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से फिल कर देना है। तो ये हम लोग बात करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में। ऐसे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नॉर्मल एंड एब नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन हमें कैसे करना है। ओके, थैंक यू।